ओम येन बद्धो बली राजा दानमिन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलः। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष आज मैं उपस्थित हूं, बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। पूरे भारत वर्ष में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भाई अपने बहन के कलाई पर राखी बांधती है और भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि यह जो रक्षाबंधन का त्योहार है, बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा होती है जानने की कि यह जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का त्योहार कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि दैत्यराज यानी कि राजा बलि, जो कि बहुत बड़े बड़े यज्ञों को कर रहे थे और 1000 यज्ञ यदि उनका पूर्ण हो जाता, तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 1000 यज्ञ पूर्ण होने के बाद त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त करके और स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करते, उसके साथ साथ इंद्र का जो सिंहासन है वह उनको प्राप्त हो जाता। इस बात को देखकर जब अंतिम यज्ञ चल रहा था, इस बात को देखकर देवताओं में बड़ी चिंता हुई और सारे देवी देवता भगवान नारायण के समक्ष गए और उनसे अनुनय विनय किया। देवराज इंद्र को बड़ी इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं हमारा सिंहासन ना चला जाए। सारे देवता भगवान नारायण से अनुनय विनय करते हैं। उसके पश्चात भगवान नारायण ने कहा कि आप लोगों को तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस यज्ञ को करवा रहे थे और उसी समय भगवान नारायण वामन रूप धारण करके राजा बलि के दरबार में चले जाते हैं, उनके यज्ञशाला में जाते हैं। और वामन रूप धारण करने के पश्चात भगवान ने राजा बलि से कुछ मांगा, यानी कि निवेदन किया कि मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े दानवीर हैं, त्रिलोक में आपसे बड़ा कोई और दानवीर नहीं है, तो आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। ब्राह्मण जैसा छोटा सा रूप धारण करके भगवान उपस्थित हुए और राजा बलि ने कहा कि यह तो बड़े भाग्य की बात है कि हमारे दरवाजे पर एक ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, मांगिए, क्या मांगना चाहते। भगवान ने कहा कि आप मुझे 3 पग पृथ्वी दे दीजिए जिससे कि मैं अपनी कुटिया बना सकूं। इस बात को सुन करके और उसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि दान करने का मन बनाया। तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उनको मना किया और कहा कि आप नहीं समझ पा रहे हो, यह भगवान नारायण है जो कि छल कर रहा है आपके यज्ञ को नष्ट करने के लिए, यानी कि भंग करना चाहता है जिससे आप त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त न कर सके। राजा बलि ने कहा कि ये तो बड़े भाग्य की बात है कि साक्षात भगवान नारायण हमारे दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आए हैं, तो मैं मना नहीं कर सकता हूं, अन्यथा जो मेरा नाम दानवीर है वह कैसे रहेगा और वह दानवीर का जो वह मेरे ऊपर जो सारे त्रिलोक में मैं जाना जाता हूं दान के लिए, वह कहीं ना कहीं छिन सा जाएगा या फिर वह जो है वह छवि वह धूमिल हो जाएगी, इसलिए मैं भगवान को दान अवश्य दूंगा। और वामन रूप वाले भगवान नारायण को बलि ने दान करने का निश्चय किया। लाख समझाने के बाद जब भगवान नहीं माने और कहा कि लेकिन दान से पूर्व संकल्प करना होगा आपको कि मैं 3 पग पृथ्वी आपको दान में दूंगा, जैसे ही कमंडलू से जल लेकर और राजा बलि तैयार होते हैं संकल्प करने के लिए, तो कमंडलू का जो छेद था उसमें शुक्राचार्य समाहित हो जाते हैं छोटा सा रूप धारण करके। उसी समय भगवान समझ जाते हैं और उसमें एक कुशा से उसमें छेद करने का प्रयास करते हैं जिससे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का एक आंख फूट जाता है उसी समय। उसके बाद राजा बलि ने संकल्प किया और भगवान को 3 पग पृथ्वी देने का निश्चय किया। भगवान ने जैसे ही संकल्प पूरा हुआ उसके पश्चात अपना
बड़ा विकराल रूप धारण किया और दो पग में स्वर्ग और पृथ्वी लोक को माप दिया। अब तीसरा पग रखे कहां और वहां पे लज्जित हो गए और ये राजा बलि उसके पश्चात कहा भगवान ने कि मैं तीसरा पैर कहां रखूं। राजा बलि झुक जाते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे माप लीजिए। इस पर भगवान नारायण बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि राजा बलि आप तो दान में मुझे तीनों लोक देने की बात की थी आपने, लेकिन दो ही पग में मैंने सब कुछ माप लिया, इसलिए आपको यह छोड़ना पड़ेगा क्योंकि दान दी हुई चीज के ऊपर अपना निवास नहीं होता है या अपना अधिकार नहीं होता है। राजा बलि पाताल लोक में चले जाते हैं और उसके बाद भगवान ने जब वर मांगने को कहा तो राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जब भी आपने बावन रूप धारण किया है इसलिए 52 दरवाजे का मेरा घर हो और जिस दरवाजे से भी मैं निकलूं वहां आपका ही दर्शन हो। प्रेम ते प्रकट होत भगवाना, भगवान तुरंत वहां पे भक्त के वश में हो जाते हैं और राजा बलि पाताल लोक में 52 दरवाजों का बड़ा ही सुंदर महल राजमहल बना और वहां पे भगवान को द्वारपाल बनकर और उपस्थित रहना पड़ा और इससे महालक्ष्मी बहुत चिंतित हुई। क्षीर सागर में विराजमान महालक्ष्मी बहुत चिंतित हुई, तभी वहां पे नारद जी उपस्थित होते हैं और कहा कि मां आप क्यों चिंतित हैं। कहा कि मेरे प्रभु का पता नहीं चल रहा है। नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी जी आप चिंता न करें, देवी आप के जो प्रभु है वह राजा बलि के यहाँ बंदी बन गए हैं, द्वारपाल बनकर वहां पे विराजित है, आपको जाकर उनसे और श्रावण मास का शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि आ रही है उसी दिन जाकर आपको राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधना होगा और उससे उपहार में भगवान को मांगना होगा। मां लक्ष्मी जाती है राजा बलि के दरबार में और जाकर राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधती है और उपहार स्वरूप जब उसने कहा कि बहन आपको क्या चाहिए, मां लक्ष्मी ने कहा कि आप मुझे तो आपका द्वारपाल ही चाहिए। राजा बलि समझ जाते हैं और द्वारपाल यानी भगवान नारायण को मां लक्ष्मी को सौंप देते हैं। उसी समय से रक्षाबंधन का यह महान पर्व प्रारंभ हुआ। दूसरा एक और भी कथा है भविष्य पुराण में जिसका वर्णन आता है कि एक बार की बात है देवासुर संग्राम हुआ यानी कि दैत्य और देवताओं का युद्ध चल रहा था। काफी समय तक यह युद्ध चला जिसमें देवता लोग दानवों से परास्त होने के कगार पर पहुंच गए थे जिससे कि देवराज इंद्र को उसकी बड़ी चिंता सताने लगी और देवराज इंद्र वहां से उठकर अपने सिंहासन का परित्याग कर सीधा देवगुरु बृहस्पति के दरबार में पहुंचते हैं जहां पर उनकी पत्नी सची पहले से ही मौजूद थी। इंद्र के पहुंचने के बाद इंद्र ने अपनी चिंता व्यक्त किया, गुरुदेव को प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव दैत्यों की सेना देवताओं की सेना पर भारी पड़ रही है और कहीं न कहीं देवता परास्त हो जाएंगे, इसलिए आपका मार्गदर्शन चाहता। उसी समय सची यानी कि इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने कहा कि पतिदेव कल श्रावण मास का शुक्ल पक्ष तिथि पूर्णिमा है, मैंने आपके लिए एक रक्षा सूत्र तैयार किया है जिस रक्षा सूत्र को जाकर आप ब्राह्मणों के द्वारा अपने कलाई पे बंधवाए जिससे आप और आपके सारे देवता सुरक्षित रहे और युद्ध में आपको विजय श्री की प्राप्ति हो। इस पर देव गुरु बृहस्पति ने भी हामी भरी और देवराज इंद्र रक्षा सूत्र को ले जाकर ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन शांति पाठ करवाकर अपनी कलाई पर बंधवाया और दैत्यों को संग्राम में पराजित करके और विजय श्री की प्राप्ति हुई उनको। तो मित्रों इस तरह से रक्षा बंधन का यह महान पर्व प्रारंभ हुआ और इसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मित्रों यदि मेरा एक निवेदन है कि यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।